कि मैं अब शायरी क्यों नहीं बनाता हूँ। वैसे तो हमने बहुत कुछ सोचा था कि सेलिब्रेट करेंगे, बड़ा धूम धड़क्का करेंगे। कितने प्यारे प्यारे केक है, तो हम गोपालिया के लिए ये वाला केक लेके जा रहे हैं। कैसी लगा दूं अदरक इलायची अदरक वाली। हैप्पी बर्थडे गोबे। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ख्याल है सबको, राधे राधे एंड अ वेरी हैप्पी जन्माष्टमी टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। कान्हा जी आपको बहुत सारी खुशियां दें, प्यार से रहो, मत रहो, कराते रहो और हमारे व्लॉग्स देखते रहो और हम व्लॉग्स बनाते रहे। कल एक्चुअली क्या हो गया, बहुत लेट हो गया घर आने में, 2 बज गए। पहले जसलीन को घर छोड़ा, उसके अफजल को छोड़ा, फिर उसके बाद घर आया। मैं एक्चुअली मैं सो जाता हूँ 11:30-12 बजे मैक्स। कल लेट हो गया काफी, तो आज उठने भी मुझे लेट हो गया पहली बार। तो वैसे तो हमने सोचा था कि जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे, पर क्या हुआ कि जो मेरी दादी हैं तो उनकी तबीयत थोड़ी खराब है और वो 2 दिन से हॉस्पिटलाइज है, इसलिए हमने सोचा कि सेलिब्रेट उस लेवल पे तो नहीं करेंगे, पर हाँ गोपालिया का जन्मदिन जरूर मनाएंगे। तो मम्मी ने बोला था कि 56 भोग लगाना है, तो आज कोशिश करेंगे 56 भोग लगाने की। तो लेट्स गो, बाहर देखते हैं क्या हो रहा है। मैं तो अभी नहा के निकलूंगा। हाँ जी, राधे राधे, हैप्पी जन्माष्टमी। पता है मुझे, पता है डैडी 2:30-3 बजे का, मम्मी 2:30 पे, शायद 2:45 या 2 बजे घुस गया था घर में। मैं होगी एकदम आग जल रही है। चाबी आप कर देते, चाबी भी रख देते तो कौन खोलता, नीचे से कौन खोलता। डैडी पॉडकास्ट था, इंटरव्यू टाइप का था, मतलब जैसे इंटरव्यू होता है ना, जैसे उनकी टीम थी जो इंटरव्यू ले रहा था, उसकी टीम थी और हम थे और प्रीति थी और अफजल था, तो हमारा इंटरव्यू लिया है वो, समझ लो ऐसा। और भाई साहब मैं बता रहा हूँ, इतना मजा आया पॉडकास्ट में मम्मी, वो गेम वगैरह जो था, इतनी चीजें मैंने आपके लिए वापस स्पेशल एक शायरी बोली है, इतनी प्यारी लाइंस बोली है, जब पॉडकास्ट आएगा तो आप सुनना, मैंने आपके लिए स्पेशली बोली है। क्या जी इसमें अभी थोड़ी आएगा वो, अभी तो एडिट होगा, टाइम लगेगा थोड़ा, 1 हफ्ता शायद। वो तो कह रहा था कि थोड़ा लेट आएगा, पर मेरे को लग रहा है जल्दी कर देगा, क्योंकि बजट टीम थी ना पापा, नहीं 5-6 आदमियों की टीम थी, जो मेकअप वाले थे दो, और नहीं शायरी ब्लॉग में नहीं ली जा रही, ब्लॉग में कुछ भी नहीं लिया वो, ब्लॉग में शायरी वायरी कुछ नहीं है। और आप लोग भी जो शायरी है, जो लाइंस बोली हैं पापा के लिए, आप लोग भी अपने पापा को डेडिकेट कर सकते हैं, वो लाइंस बहुत ही प्यारी हैं। और मैंने अपनी सारी दिल की बातें बोल दी, थोड़ा सा मैंने अपनी सारी दिल की बातें बोल दी कि मैं अब शायरी क्यों नहीं बनाता हूँ, क्यों मैं डालता नहीं हूँ शायरी। शायरी तो मैं लिखता हूँ पर क्यों नहीं डालता हूँ, वो रीजन मैंने बताया पहली बार। काफी चीजें हैं जो मैंने बोली हैं। हैं सवाल तो रेडी बहुत सारे थे यार, ऐसा है कुछ सवाल तो देखो मुझे एक्सपेक्टेड ही है, क्योंकि वो लोग भी पूरी प्रोफाइल गो थ्रू करते हैं, आपको जानते हैं तो पता है कि क्या जिंदगी में चल रहा है, आपकी व्लॉग देखते हैं। तो उसने सबसे पहले जाते हुए मेरे से पूछा, रोका इतना आपने, धूमधाम करा, शादी कैसे करोगे भाई और कब कर रहे हो? मैंने कहा भाई तो मैंने कहा भाई जब भी शादी करेंगे सबको पता चल जाएगा, काफी टाइम पहले। नहीं भाई जल्द होगी, जल्द होगी। नहीं वो वाला सवाल नहीं आया कि क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, खाने पीने से रिलेटेड कोई सवाल नहीं आया, नॉर्मल वही सारे। बाकी सवाल उसने बड़े अच्छे अच्छे पूछे थे, फेवरेट हीरोइन क्या, कौन सी आपकी, ये सब। अब यही बता दूं, फिर वो पॉडकास्ट क्या देखेंगे, जसलीन है तो डैडी को शादी का एक्सपीरियंस है भाई 30-35 साल का, तो डैडी को पता है, कुछ फालतू अगर अभी बोल दूंगा मैं घर जाके बात देंगी, अब घर कहाँ, और कहाँ घर जाएंगे, घर में ही है। हाँ वैसे एक्सपीरियंस, हाँ चलो भाई मजा आ गया, आप लग रहा है। राधे राधे, तो आज गोविंद की साज सजावट हो रही है, आज तो इसी का दिन है, कल पूरे मंदिर की सफाई हुई थी, आज हाँ ये वाली प्यारी लग रही है, पर थोड़ी ऐसी कर कि वो, अरे ये वाली प्यारी दोनों ही लगा दे, दोनों अच्छी लग रही है, दोनों कर दे, हाँ ऐसे लग जाएगी बस, अरे लग जाएगी, अच्छी लग रही है, वो क्या हो गया, अच्छी लग रही है, ये नहीं वो अच्छी लग रही है, दोनों नेकलेस टाइप का लग रहा है प्यारा, हाँ उसके तो ये लंबा बनाना है, ये पहना, हाँ ये भी बहुत प्यारा, वो वाली जो उसके नीचे साथ में पहना दे, ये इसके साथ में पहना दे, मैं बोल रहा हूँ तू पहना दे, तू पहना तो दे, तू एक बार पहना तो दे, तू उसको छोड़, तू एक बार पहना दे,
कोई नहीं, तू पहना एक बार, तू एक बार पहना दे, वो लंबा मम्मी को दे रही हूं, कोई नहीं, एक बार तू इसको टाइट कर थोड़ा पहले। हाँ अभी अभी ये लग ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है सेट है ये, जब मैं कह रहा हूँ लग रहा है सेट है पूरा ही। मम्मी देखो, आप देखो जरा, पूरा सेट लग रहा है, तू इसको टच कर दे खाली ऊपर गोपालिया का। हाँ बस ये देखो गाइस, हमने व्रत किया हुआ है और ये यहाँ छोले कुलचे खा रहा है। ये देखो मैं खा रहा हूँ, पापा भी खा रहे हैं, कह रहे मैं भी व्रत रख रहा हूँ। ये दोनों सुबह सुबह इन्होंने डिसाइड किया था कि ये खा लिया, दिन भर में फल फ्रूट खाएंगे, पर इनसे 12 बजे तक बर्दाश्त हुआ, उसके बाद बर्दाश्त नहीं हुआ और ये छोले कुलचे पे अटैक कर रहे हैं। देखो ऐसा है, श्रद्धा मन में होनी चाहिए, मन में तो बहुत है, खाने की श्रद्धा है खाली। पापा रे आप खुद सुबह नाश्ता मांग रहे थे, अरे पापा सुबह नाश्ता मांग रहे थे, मम्मी ने बोला व्रत रख लो, मम्मी व्रत रख रहे हैं, अब इनडायरेक्टली मम्मी पे वो आ जाएगा कि मम्मी खाना बनाने में जोर आता है, आलस, मम्मी आपको खाना बनाने में आलस आता है, तभी आप व्रत रखवा रहे थे जबरदस्ती। मम्मी ने आज फलाहार रखा हुआ, तो मम्मी बोले आज सब फलाहार रखो, सब रखो, मैंने भी तो रखा है, ये देख मैंने फ्रूट भी नहीं खाया है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। मामा खाली छोले कुलचों में फोकस कर रहे हैं, यार छोले कुलचों की खुशबू पूरे घर में फैल गई। हाय गाइस, तो पढ़ लिख नहीं रही हूँ मैं, थोड़ा ग्रोसरी वगैरह लेने जा रही हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम मिला है आज मुझे, तो मैंने कहा पहले मैं जाके अपना सब सामान ले लूँ, ग्रोसरी वगैरह सब खत्म हो गया, रोज टाइम ही नहीं मिल पाता है, तो बस वही लिस्ट बना रहे हैं। यार हम लोग शूट नहीं कर पाए जन्माष्टमी का, रीजन आपको ध्यान में बता ही दिया होगा, बट ठीक है चलता रहता है। बाकी मुझे भी कुछ ट्रांजिशन वीडियोस वगैरह शूट करने थे, पर वही है मेरे पास कुछ ज्यादा सामान नहीं था, मुझे आउटफिट भी लास्ट मिनट समझ आया, बट वही है स्टिच भी नहीं हो पाया, तो नेक्स्ट टाइम करेंगे, अभी जाते हैं सामान वगैरह लेके आते हैं, तो देखती हूँ मैं हान के घर भी जाऊंगी थोड़ी देर के लिए। चलो करते हैं अपना काम आज का, फिर चले शॉपिंग पे, थोड़ी ग्रोसरी लेके आते हैं। और ये हमारा शैतान बच्चा पढ़ाई कर रहा है, जो पढ़ाई नहीं कर रहा है, बस टाइम पास कर रहा है। क्या पढ़ाई करी है, एक भी याद नहीं हुआ है आपको? ये राधा रानी बनती पर बन नहीं पाई। पॉडकास्ट में क्या करते हैं, पॉडकास्ट में बातें करते हैं, बहुत सारे जवाब दिए। आपको पता है विहान भैया की फेवरेट चीज क्या थी? और मैंने तो बता दी, पर वो मेरी फेवरेट चीज भी नहीं बता पाए। पर आपको पता है, एटलीस्ट इसको तो पता है कि मेरी फेवरेट हॉबी एक जो है वो कुकिंग है, विहान को नहीं पता। अच्छा ये बता, मेरी फेवरेट खाने की चीज कौन सी है? आलू। आलू चल। अच्छा फेवरेट कलर बता दे चल मेरा। पिंक, ब्लू, स्काई ब्लू। हाँ पूरी लिस्ट दे दे कितनी बड़ी, ब्लू स्काई ब्लू। चलो आप फटाफट से पढ़ाई करो, रेडियो में जब तक सामान लेके आ रही, चलो फटाफट से याद करो। पिंक, ब्लू, ग्रीन, विहान ने नहीं बता पाया। पॉडकास्ट जल्दी आएगा, वेट कर रहे हम लोग भी, कितनी जल्दी जल्दी आएगा, थोड़ा टाइम जाएगा पर उसमें, बट बहुत मजा आया कल, बहुत फन हुआ यार, बहुत ही ज्यादा मजा आया हमें कल। आपको मैंने क्या कहा था, आप घर पे पढ़ाई करो, आप कहाँ जा रहे हो? पढ़ाई मत करना, चलो बैठो फिर, अब ऐसे नहीं होता बाबा, ये लो खुल गया, थैंक यू, जाओ आराम से। हम चलेंगे गोपालिया को मिलने, गोपालिया को मिलने जाएंगे, उसके बाद कुछ प्रसाद भी लेके जाते हैं। और मैंने गाड़ी का डोर लगा दिया बहुत जोर की यार, साइड पे थोड़ी सी, इधर खड़ी करता तू थोड़ी सी। क्या देख लिया, क्या देख लिया, अभी चलो चिप्स, हमारा सारा सामान पैक हो गया है, सो द सामान इज डन। भाई साहब अभी सो के उठा हूँ, बहुत ज्यादा हेडेक था इसलिए दवाई लेके सो गया था, और अभी जस्ट मेरी कॉफी पी रहा हूँ, डाल रही है क्या फिर वो, तो मैं कहा यार मेरा कान मुझे लग रहा है बहुत दर्द कर रहा है, बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है अभी टच करते ही, बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है यार टच करते ही, तो वो नीम वाला डाल दे पापा, लाए नीम, लाया ना नीम, लिया है ना पापा, पापा नीम लाए हैं, पहले मैं इसको पेस्ट से यूज करती थी, अभी देख के यार प्रिया दर्द ना हो, ले कैंडी से काट लिया, अच्छा काट लिया, काट देने का पत्ता थोड़ी घुसा दूंगी, गया, अरे अभी तो टच ही नहीं करा, मेरे पीछे का छेद बंद हो गया था, अरे बुद्धा, अरे अरे तो स्किन से पीछे नहीं निकल रहा ना, ये मेरे छेद पीछे का छेद ही नहीं है, क्या बात कर रही है, हाँ पीछे घुमा और पतला डालती हूँ, निकाली क्या है, बहुत ज्यादा कान इतना दर्द कर रहा है यार, डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, खून आ रहे हैं मम्मी, खून आ रहे हैं, सुमेश ने मुझे
तो अभी मत डाल यार, इतने खून आ गए यार, मत कर अभी, मत कर, मेरे को कॉटन दे दे। नहीं कॉटन दे दे तो यार, वो पका तो रहेगा फिर। क्या पका रहेगा? पका नहीं रहेगा फिर, वो दे दे, कर दे, डाल दे फिर। कोई काम एक ठीक से नहीं कर सकती क्या? मैंने कल वो डाला था, वो तो उससे तो कुछ नहीं हुआ था मेरे को। सुबह निकाला था तब दर्द नहीं कर रहा था, अभी टिक जाता है। मत करियो, ही बार बार तू उसी को ट्रिगर कर रहा है उसको। दिखा मेरा ब्लड मुझे। अरे ये तो वो वाली बात होगी, दर्द नहीं हो रहा पर खून देख के रोना आ रहा है। चल इसको चिपका लेंगे। हेलो, जो है वो ही है। इधर है गोपालिया, आप कहाँ जा रहे हो? अच्छा आज मंडे है ना, फास्ट है। ओके, आज तो मम्मी का भी फास्ट है। मम्मी का जन्माष्टमी है। मेरा सोमवार का है। आपने नहीं रखा फास्ट? नहीं, खाने का फास्ट। लेकिन कल हम लोग लेट हो गए थे ना, चक्कर में भी नहीं हुआ आपका। यस, कल 12 बजे गए थे। हां, मैं आपको बता रहा हूँ, कल के पॉडकास्ट में कुछ ऐसा हुआ जो मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। इससे इसने मुझे टोटली शॉक कर दिया और मुझे लगा है ये ऐसा भी कर सकती है। आप नहीं करते मेरे साथ ऐसा? मैं तो करता हूँ पर तू मतलब भाई कल इसने कुछ ऐसा किया अतरंगी। अब आप कभी मुझे ये नहीं कहोगे जसलीन तेरा रिएक्शन नहीं आता, मेरा रिएक्शन देख लिया, एक्शन में होता है भाई। इसका रिएक्शन नहीं, इसका वाक्य में एक्शन है। कल तो बहुत कुदरत है, आज क्या उदास? क्या मतलब, एक तो थकावट है और फिर में दर्द है, फिर गले में भी दर्द है। अभी खून ब्लीडिंग भी हुई। हाँ, अभी लिख कर डाल देंगी, ट्राई करी थी नीम का तो ब्लीडिंग हो गई। गर्दन से भी ऐसे करने से इसको दुख रहा है। हाँ, चल अभी वो थोड़ा वेदर का भी है और अब मैं जब खेल कूद चालू कर दूंगा तब सही हो जाएगा। बाकी आज जैसे कि हर बार हम कोशिश करते हैं कि वो, पर आप जैसे मैंने बताया कि तेरे को पता था ही दादी की, हाँ तो दादी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तो है सदा खुश रहें, मेरे साथ रहें। अभी एक आध दिन शायद अभी और हॉस्पिटल में रखेंगे। वो खाना कुछ नहीं जा रहा है, रिएक्शन हो गया। हाँ इन्फेक्शन, हाँ मतलब कुछ खा लिया उन्होंने, उसका इन्फेक्शन हो गया तो वो खाना कुछ लग नहीं रहा, तो ग्लूकोज ही चढ़ रही है 2-3 दिन से, तो ये मामला है। खैर बहरहाल हम गोपालिया के लिए अब जाएंगे सामान लेने के लिए और उसके बाद रात को करेंगे। ये तो वही ड्रेस है ना जो मैं गोपाल के लिए लेके आई थी। अच्छा ये तेरी वाली? क्या ये तो मम्मी को बड़ी पसंद है। हाँ ये आंटी को ही पसंद आई थी, मतलब मम्मी को ही पसंद आई थी, तो मैंने कहा था ले लो। हाँ जब गोपालिया ये भी लेके आना था ना रोके पे भी, एक आउटफिट है गोपालिया का, ये प्रिया ने सजाया अभी, बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये वो वाली है ना बांसुरी जो हमें बिहारी जी के वहाँ पे मिली है? ये हमें वृंदावन से मिली थी, देखा मेरे को याद है। और मेरे को जो पायल मिली थी वो शिफ्टिंग के टाइम पे चोरी हो गई। और इधर आ जाओ दोनों एक ही फ्रेम में आ जाओ, चेयर हटा दे। बढ़िया बढ़िया आशीर्वाद दे दो इनको गोपालिया, सदा खुश रहे, मेरे साथ रहे। थू 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 पी लिया पानी मैंने। और कल कैसा रहा दिन? कल तो बहुत बढ़िया, मजा आया, बहुत मजा आया, बस लेट बहुत हो गया। लेट इतना ज्यादा कर दिया बेटा, शूट शुरू होते होते ही 8:30 बज गए। और भुगतना पड़ा हमारे माँ बाप को क्योंकि उठना पड़ता दोनों है, दोनों सो जाते हैं जल्दी और उठे हुए थे काफी देर तक। लेट तो क्या, जब आया तो कोई वो थोड़ी खोलते, चौकीदार भी नीचे जाना पड़ता है गेट खोलने। नहीं वो लोग भी इंसान है, वो कैसे खोलते हैं? नींद खराब, लेट बहुत हो गया। हाँ वही, खाने पीने का भी कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं था, कितना ढूंढा। हाँ पर ये है कि हमें मिल गया रात को, लेकिन बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट, बहुत बढ़िया। लेकिन बेटा उनको खाने का रखना चाहिए, खाने का जरूर होना। वहाँ पे खाने का सवाल पूछा ही नहीं वैसे उन्होंने। ये सवाल था नहीं। तुम लोग जितनी कर रहे थे उनमें से कुछ आया? वही बता, जितनी तूने पीछे सिलेबस की तैयारियां करी थी, एग्जाम तो कुछ और ही आया। मैं कह रहा हूँ हमने प्रिपेयर केमिस्ट्री करी थी, फिजिक्स आ गई भाई वहाँ पे। हाँ कुछ ना आया भाई, कुछ नहीं आया, ये सब पूछा ही नहीं अगले ने। सारा यही तो होता है, पेपर में फेल हो जाते हैं। लो भाई मैं जा रही हूँ घर, आप लोग जाओ सारा प्रसाद वगैरह लेके आओ। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है, बाय बाय बाय, ध्यान रखना। हाँ जी बाय प्रिया, बाय बाय। नहीं है क्या? और पर्स वर्स नहीं था? नहीं मैं ऐसे ही आ गई थी। अच्छा ठीक है, आज छुट्टी थी ना। बाय बाय, आज झोला नहीं लेके आई, आज कुछ नहीं था, आज ऐसी फ्री थी मैं आज। चलो बाय। तो हम पहुंच गए हैं, कहाँ लेके आए हमें? बीकानेर आए, फटाफट से गोपाल जी के।
ओके गोपालिया के लिए 56 भोग लेने, देखते हैं क्या क्या मिठाई अवेलेबल है। क्या लेना अम्मा? ओ, अब हमें रेडी थाली मिल गई। मम्मी ये ले रहे हो क्या? दिखाना, ये देखो इसमें 56 भोग ही है क्या? हाँ, सारी मम्मी एक एक पीस लेते, घर में भी तो प्रसाद बनाओगे ही आप। मिठाई तो नहीं है इनके पास, गलत जगह ले आया क्या? सारी मिठाइयाँ खत्म हो चुकी हैं, कुछ भी नहीं है इनके दुकान पे। अब चलो कहीं और चलते हैं। नीतू भाई व्हाट हैपेंड? पूरी दुकान खाली है, कुछ भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम खाली एक दो मिठाई रखते हैं बस, रसगुल्ले और कुछ भी नहीं रखते। चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं आगे एक और। मैंने सोचा खत्म हो गई। अब हम आए तीसरी दुकान पे, लेट्स सी अब यहाँ क्या मिलता है। चलो मम्मी, हाँ मैं देख के चल रही हूँ। चलो ये गाइस, ये डब्बा लेने की सोच रहे हैं, बना हुआ है, हम ऐसे ही सोच रहे हैं कि एक एक साड़ी बनवा लेते हैं। देख लो आपकी मर्जी है। भाई जी जितने में मिठाई है ना, सब एक 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 ले रहे हैं हम, एक 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 पीस करवा के 56 भोग बनवा रहे हैं। ये सारा सामान कितने टाइप की लाए? 56 उसकी दुकान पे सारी है। चलो मेरी बात पूरी हो गई, इसको बोले एक एक डाल दे जितनी है। 57 58। चलो बढ़िया, एक एक डाल। यस लेट्स गो। हां जी, तो गोपालिया की थाली हो गई है रेडी। अभी हुई नहीं है, अभी बाकी हैं दो तीन। हाँ। फ्रूट वगैरह काटने हैं और माखन इसलिए बना रहे। यार हमने उसको बोला था सारी अलग अलग दी हो, फिर भी उसने ना 5-6 मिस कर दी। मैंने उसको एक पान की वाली स्पेशल बोली थी, वो रह गई, वो नहीं दी उसने। कोई बात नहीं, अभी तो फ्रूट काटने। देखो कितनी प्यारी दही हांडी टाइप की बना रखी है ये ना। हाँ सारी अलग अलग, ये सेब टाइप की बना रखी है, ये देखना एप्पल की मिठाई है, एप्पल वाली मिठाई। बढ़िया बढ़िया पिज्जा, गोविंद आज तो मोटा मोटा हो जाएगा। ये देख पिज्जा, हाँ सारे पकवान है भैया इसमें। ये सेम होगी दो, एक ये वाली। हाँ वही हमारे फ्रूट है, हाँ हाँ मिश्री है, दूध है, दही है, अभी चिप्स रखेंगे वो सब इसमें आएंगे ना। ठीक है, अभी मिठाई रखते हैं ना। ठीक से फ्री हुए हैं तो 11:30 बजे हम मिठाई लेने आए हैं, क्योंकि विहान के घर जाना है हमें। कितने प्यारे प्यारे केक है, तो हम गोपालिया के लिए ये वाला केक लेके जा रहे हैं। तो ये हमारी प्रिपरेशन हो रही है, अब राधा कृष्ण वाला डांस हो रहा है। नृत्य बना क्या है? गोपी बनाऊं? अरे राधा क्या कह रही है, क्या बना है? गोपी बनाऊं मैं, क्योंकि लग तो नहीं रहा किसी एंगल से कृष्ण। मैं कृष्ण का ग्वाला हूँ। क्या लग रहा है? मैं कह रही हूँ ग्वाले का तो पता नहीं, चाय वाला जरूर लग रहा है। मैडम चाय कैसी लगा दूँ? अदरक इलायची अदरक वाली, अदरक वाली सिखा दे जिसको इनको गुड ट्यूशन की जरूरत है, आप इनको कह रहे सिखा दे। Sachi sachi re chhunna dinare, Radha 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 Rad
देख रही है, जन्माष्टमी वाले दिन पक्का बारिश होती है। हाँ पूरी बारिश, और वो भी 5-7 मिनट हुई बस। और कितनी तेज। हाँ चलो बाय, थैंक यू बाय। गोपालिया का बर्थडे, चलो मिलते हैं। गेट खुलाओ यार बस। कौन सा? ये तो बंद होता है शायद। बाय।